କୋଭିଡ୍ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରରେ ପୋଷା ଜୀବଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବେ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ମଣିଷ ଦେହରୁ ପୋଷା ଜୀବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ କୋଭିଡ୍। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୋଷା ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କିପରି ଦେବେ ସୁରକ୍ଷା? ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଲେ କିମ୍ବା ଘରେ ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ରହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପୋଷା ଜୀବ? ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ? ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ମଣିଷଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷା ଜୀବଙ୍କୁ ବ୍ୟାପି ପାରେ କି ସଂକ୍ରମଣ? 2020ରେ ଏହିପରି କେତୋଟି ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାର ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୋଷା ଜୀବଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ 2ଟି ପୋଷା ବିଲେଇ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ। कुछ केसेस जर्मनी में हुए हैं जहाँ पे एक ओनर जिसके पास बिल्ली थी उसके वो कोविड पॉजिटिव था और उसकी बिल्ली में कोविड का इन्फेक्शन आया है। न्यूयॉर्क जू में ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे बिग कैट्स में लॉयन टाइगर और जैगुआर्स में जो है कोविड पॉजिटिव वो पाए गए हैं क्योंकि उनका जू जो केयर टेकर था वो कोविड पॉजिटिव था। इसके अलावा फ्रांस में भी कुछ ऐसे केसेस रिपोर्टेड हुए हैं जहाँ पे डॉग्स में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो डॉग्स क्योंकि वो अपने ओनर के क्लोज कांटेक्ट में थे और वो ओनर खुद कोविड पॉजिटिव थे। ए परिस्थिति रे वर्तमान अनेक को मन रे प्रश्न आछुची किपरि कोरोना संक्रमण काल रे सुरक्षा देई हबो निज पोसा जीव जंतु को। परिवार रो केही जदि संक्रमित हुवंती तेबे किपरि नेबाकु पड़िबो पोसा जीवंक जत्न, कारण जदि जणे केही परिवार रो सदस्य संक्रमित हुवंती ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ଏକାନ୍ତ ବାସରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ବା କେହି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ। तो यहाँ पे ख्याल हमको ये रखना है कि अगर कोई पेशेंट अगर कोई ह्यूमन जो है वो कोविड पॉजिटिव हो चुका है और उनके यहाँ पेट्स हैं तो अपने पेट से एक निश्चित दूरी बना के रखें। जो थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि पेट लवर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेट से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं और साथ ही रहना साथ खाना और उनकी केयर करना होता है, बट जहाँ अगर एक पेट ओनर कोविड पॉजिटिव हो चुका है तो उसको थोड़ा ख्याल ये रखना चाहिए कि अपने पेट से थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट में रहना या एक साथ खाना शेयर करना या एक ही बिस्तर में सोना, ये सारी चीजों से वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हमको ध्यान में देना चाहिए कि अगर आपके घर आप बीमार हैं, आपको कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, आप कोविड का इन्फेक्शन है, तो पेट्स की केयर करने में विशेष सावधानियां आप ये रख सकते हैं कि एक तो आप अपने पेट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, आप यथा संभव हो सके तो खुद पेट की जो है केयर ना करें, उसको खाना देना नहलाना या बाकी सारी चीजें घर का कोई और फैमिली मेंबर जो पॉजिटिव नहीं है उसके द्वारा करवाएं, आप पेट्स को छूने से बचें। तबे यदि शहर रे थिबा छोटो परिवार रे केही जणे किंबा समस्ते संक्रमित हुवंती एवं सेमानंकु हॉस्पिटल रे रहिबाकु पड़े ତାହେଲେ କିପରି ନିଆ ହେବ ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଯତ୍ନ? ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ପେଟ୍ କେୟାର ସଂସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜ ପୋଷା ଜୀବଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ପୋଷା ଜୀବଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ପେଟ୍ କେୟାର ସଂସ୍ଥା। ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ କୋଭିଡ୍ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବେ ପୋଷା ଜୀବଙ୍କ ଯତ୍ନ। ପୋଷା ଜୀବଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖେଳାଇଦେବ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।